बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री 9th चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। आज हम केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर 8 9th केमिस्ट्री की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वन इज मेटल्स कैन फॉर्म आयन कैरिंग चार्जेस। मेटल जो है कौन से आयन वाला चार्ज बनाती हैं? यूनिपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव, ट्राइपॉजिटिव और ऑल ऑफ दीज। द एग्जैक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। मेटल जो है मेटल यूनिपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव और ट्राइपॉजिटिव तमाम तरह के आयंस बनाती हैं। ये पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं? ये उस वक्त बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। सोडियम जैसे देखें एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैल्शियम देखें क्या करती है, कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है इसलिए उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम देखें तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करती है इसलिए उसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो लिहाजा मेटल्स जो हैं यूनि डाई एंड ट्राई पॉजिटिव आयंस बनाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद ए ब्रिक जो है रेड फ्लेम। इनमें से कौन सी मेटल हवा में गर्म होने पर सुर्खी माल शोले के साथ जलती है? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम। द एग्जैक्ट आंसर इज कैल्शियम। सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद। सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती। किसके साथ ये रिएक्ट नहीं करती? हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ या फास्फोरस के साथ। द एग्जैक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। आपने ये बताना है इनमें से हल्का तरीन मेटल जो है कौन सा है, हल्का तरीन और पानी पर तैरने वाला कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पर देखें कैल्शियम की जो हमारे पास डेंसिटी है वो है 1.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मैग्नीशियम की जो डेंसिटी है वो है 1.738 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लिथियम की 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम की डेंसिटी है 0.96 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो द एग्जैक्ट आंसर इज लिथियम। लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हल्की जो है हल्की मेटल यहाँ पे कौन सी है, लिथियम है। नेक्स्ट हमारे पास है प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ बट आयरन कैन नॉट बिकॉज ऑफ अल्कली मेटल्स है। खालिस अल्कली मेटल्स को चाकू से काटा जा सकता है मगर आयरन को नहीं काटा जा सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्कली मेटल्स में होते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग या मॉडरेट मेटेलिक बॉन्डिंग। ये खालस अल्कली मेटल्स को आप चाकू से काट सकते हैं, आयरन को नहीं काट सकते इसलिए कि आयरन के अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है जबकि एज कंपेयर टू आयरन जो है सोडियम के अंदर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है इसलिए आप सोडियम को चाकू वगैरह से काट सकते हैं। सो द एग्जैक्ट आंसर इज वीक मेटेलिक बॉन्डिंग, कमजोर मेटेलिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस मैलिएबल। आपने बताना है इनमें से कौन सी मेटल जो है वो कम मैलिएबल है। सोडियम, आयरन, गोल्ड और सिल्वर। आपने डेर पढ़ा था मैलिबिलिटी मेटल्स की वो खासियत है जिसके तहत या जिसके सबब आप इन्हें कूट कूट कर शीट्स की सूरत में फैला सकते हैं। और डक्टाइलिटी क्या होती है, आप इनको खींच के तारे बना सकते हैं। तो सोडियम जो है ये लेस मैलिएबल होती है एज कंपेयर टू आयरन, गोल्ड और सिल्वर। सो द एग्जैक्ट आंसर इस क्या है हमारे पास, सोडियम। सोडियम जो है ये क्या है, ये लेस मैलिएबल है। नेक्स्ट है मेटल लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजिली बिकॉज। मेटल जो है क्या करती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती हैं। क्यों? इसलिए दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दे हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हरारत की अच्छी कंडक्टर होती हैं। मेटल जो है आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटल। आपने बताना है इनमें से, इन एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट ब्रिटल है, ज्यादा ब्रिटल। सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलीनियम और मैग्नीशियम। द एग्जैक्ट आंसर इज सिलीनियम। सिलीनियम सबसे ज्यादा ब्रिटल है इनमें जो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखें, आगे देखें हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। आपने बताना है इनमें से कौन सी नॉन मेटल जो है लस्ट्रस मीन्स चमकदार है, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कार्बन। तो आपने ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि लस्ट्रस जो है नॉन मेटल कौन सी है, हमारे पास आयोडीन है। आगे देखिए नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट,
नॉन मेटल्स आमतौर पे क्या होती है, नरम होती है, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड, लेकिन आपने बताना है इनमें से कौन सी बहुत ज्यादा सख्त है। तो ये भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा सख्त जो है, हार्ड जो है नॉन मेटल कौन सी है, वो कौन सी है, डायमंड। सो द एग्जैक्ट आंसर इज क्या है, डायमंड। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद HCl, डाइल्यूट HCl, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और कार्बन। द एग्जैक्ट आंसर इज कार्बन। इनमें से दरअसल में से कौन सा जो है एलिमेंट हल्के HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो एग्जैक्ट आंसर इसका कौन सा है, कार्बन। कार्बन जो है ये हल्के HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। डियर आज के इतने ही, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।